हेलो एवरीवन, स्वीट एंड सॉल्टी रेसिपीज में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं बथुआ और आलू की बहुत ही स्वादिष्ट, सिंपल और इजी भाजी की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। इसे बनाना बहुत ही आसान है और खाने में इसका स्वाद बहुत ही अच्छा आता है। बथुआ आलू की भाजी बनाने के लिए मैंने एक गुच्छी बथुआ लिया था जिसका वजन था 600 ग्राम। उसे अच्छी तरह से साफ कर लिया, साफ करके धो लिया और उसके बाद उसे बारीक काट लिया। ये थोड़ा सा बथुआ मैंने रखा है आपको दिखाने के लिए कि कुछ लोग सिर्फ बथुए के पत्तों का यूज करते हैं और इस तरह से आगे से ये थोड़ा सा तोड़ लेते हैं, बाकी इसके पत्ते ही यूज करते हैं। जबकि मैं भाजी बनाती हूँ तो उसमें इसके जो ये नरम वाले डंठल होते हैं इसका भी यूज करती हूँ। आप तोड़ के ऐसे देखेंगे तो ये इजीली टूट जाते हैं, तो जहां से नरम हो उसे आप ले लें। इसका टेस्ट भी अच्छा आता है और इसमें काफी पौष्टिक तत्व भी होते हैं। तो इस तरह से मैंने इसे पूरा ही लिया है, सिर्फ इसकी जो सख्त वाली डंडी है उसे हटाया है। जहां से ये नरम है आप ऐसे तोड़ेंगे तो ये बहुत ही आसानी से टूट जाता है, तो इसे आपने रख लेना है। इसके बाद इसे मैंने काट लिया बारीक, तो ये जो बथुआ है इसे भी हम काट लेते हैं। और ये एक मीडियम साइज का आलू लिया था जिसे छील लिया, धो लिया और उसके बाद इसे इस तरह के पतले टुकड़ों में काट लिया है। अगर आप नए वाले आलू यूज कर रहे हैं तो बिना छिलका उतारे भी उसको यूज कर सकते हैं। उसे अच्छी तरह से धो लें, उसकी मिट्टी वगैरह वो एकदम साफ हो जाते हैं, या आप छिलका उतार के भी यूज कर सकते हैं, ये आपकी मर्जी पर है। और उसके बाद इसे पतला पतला इस तरह से स्लाइस कर लिया है। अब चलते हैं, हम इसकी भाजी बनाते हैं। भाजी बनाने के लिए मैं लोहे की कढ़ाई का यूज कर रही हूँ। हरी सब्जी कोई भी आप बनाएं तो कोशिश करें कि उसे लोहे की कढ़ाई में बनाएं, तो टेस्ट भी बढ़िया आता है, दूसरा ये हमारी हेल्थ के लिए भी अच्छा होता है। तो इसमें डाल देंगे 2 टेबलस्पून के करीब सरसों ऑयल। सरसों ऑयल में बनी हुई भाजी का टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है। अगर आपके पास सरसों ऑयल ना हो तो आप रिफाइन का यूज भी कर सकते हैं, लेकिन अगर सरसों ऑयल है तो उसे यूज कीजिए, उसका बहुत ही अच्छा टेस्ट भाजी में आता है। 2 टेबलस्पून ऑयल हमने डाला है और इसे गर्म होने देंगे अच्छी तरह से। तेल बहुत अच्छी तरह से गर्म हो गया है, इसमें से धुआं उठने लगा है। फ्लेम को अब हम बंद कर देंगे और इसे हल्का सा ठंडा होने देंगे। ऐसा करने से सरसों तेल का जो कच्चापन होता है वो खत्म हो जाता है और इसका टेस्ट भी बढ़िया आता है। ऑयल हल्का ठंडा हो गया है, गैस वापस से हमने चालू कर ली है। फ्लेम अब मीडियम रखेंगे हम और इसमें डालेंगे ये 7-8 लहसुन की कलियां हैं जिसको इस तरह से काट लिया है, स्लाइस करके लिया है। इस तरह से लहसुन डालने से बहुत ही अच्छा इसका टेस्ट आता है और लहसुन की मात्रा आप थोड़ी बढ़ा भी सकते हैं, लहसुन का फ्लेवर इसमें बहुत ही बढ़िया आएगा। इसमें हम बहुत ही कम मसालों का यूज करेंगे, गिने चुने चीजें ही हम डालने वाले हैं, लेकिन जो भी चीजें डालेंगे इनका टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है। तो ये 8 से 10 लहसुन की कलियां हैं जिसको इस तरह से चॉप कर लिया है, ये डाल देंगे। और इसी के साथ डाल रही हूँ 2 ये साबुत लाल मिर्च है। आप हरी मिर्च भी डाल सकते हैं, लेकिन साबुत मिर्च का जो टेस्ट है बहुत ही अच्छा आता है। एक बुनी बुनी सी सौंधी सौंधी इसकी खुशबू आती है, बहुत ही अच्छी लगती है। तो इसे इस तरह से टुकड़ों में तोड़ के लिया है, ये भी डाल देंगे इसी के साथ और इसे हम भून लेंगे। लहसुन का कलर हल्का सा चेंज हो जाएगा और मिर्च भी हमारी भून जाएगी। लहसुन का कलर हल्का चेंज हो गया है, हल्का सा गोल्डन ये हो गया है। इसे हमें जलाना नहीं है, बस ऐसा ही रखना है। और मिर्च भी भून चुकी है, अब हम इसमें जो बथुआ हमने काट के रखा था उसे डाल देंगे। इसी के साथ ये आलू भी हम डाल देंगे, इनका पानी निकाल लिया है और ये आलू के स्लाइस भी इसमें डाल देते हैं। साथ में डाल देंगे नमक स्वादानुसार, इसके अलावा इसमें और कोई मसाला नहीं जाएगा, लेकिन इसका जो टेस्ट है बहुत ही बढ़िया आता है। इसे अच्छी तरह से मिक्स कर देते हैं, सभी चीजों को अच्छी तरह से हमने मिक्स कर लिया है। और उसके बाद अब हम फ्लेम को मीडियम या मीडियम टू हाई रखेंगे और इसे ढक देंगे, बीच बीच में चलाते रहेंगे ताकि ये नीचे लगे नहीं, और इसे आलू के और बथुए के गल जाने तक पकाएंगे। भाजी हमारी बनकर तैयार है लगभग, बथुआ भी अच्छी तरह से गल गया है और आलू भी हमारे गल चुके हैं। देखिए आलू का कलर बथुए की वजह से ये भी ग्रीन ग्रीन सा हो गया है, और अगर आप आलू को पतला काटेंगे तो ये काफी जल्दी गल जाते हैं, इसलिए इसको थोड़ा पतला ही काटें। ये गल चुका है, देखिए आलू गल गए हैं अच्छे से और बथुआ भी गल चुका है। अब हम इसे मीडियम फ्लेम पर, फ्लेम मीडियम कर लेंगे और मीडियम फ्लेम पर इसे थोड़ी देर के लिए भून लेंगे।
भून लेने से इस भाजी का स्वाद बहुत ही अच्छा आता है। वैसे ये भाजी बनकर तैयार है, लेकिन थोड़ा सा भून लेते हैं तो इसमें से एक्स्ट्रा मॉइस्चर जो है वो उड़ जाएगा और बथुए का टेस्ट बहुत ही बढ़िया आएगा। तो इसे 2 मिनट के लिए, 2-3 मिनट के लिए आप मीडियम फ्लेम पर भून लें इस तरह से चलाते हुए। 2 मिनट के लिए बथुए को हमने और भून लिया है, और बहुत ज़्यादा भी इसे नहीं भून देना है कि ये बिल्कुल एकदम कुरकुरा सा हो जाए, इस तरह का नहीं। बस इसे जब इसका ये गल जाए बथुआ और आलू, उसके बाद आपने सिर्फ 2 मिनट के लिए भूनना है। इसमें देखिए पानी बिल्कुल भी नहीं है, जो इसका नेचुरल मॉइस्चर होता है वो सूख चुका है। तो इस तरह का इसे हमें भून लेना है। भूनने के बाद अब हमारी भाजी बनकर तैयार है। फ्लेम हम बंद कर देंगे। इस भाजी को आप गेहूं के आटे की रोटी पराठा इसके साथ तो खा ही सकते हैं, इसके अलावा दाल चावल के साथ साइड डिश की तरह इसे खा सकते हैं। आप मोटे अनाज का जो आटा होता है उसके साथ ये भाजी बहुत ही अच्छी लगती है, जैसे बाजरे का आटा, मंडुआ यानी रागी का आटा, या मक्की का आटा, चावल के आटे की रोटी के साथ तो मुझे ये बहुत ही अच्छी लगती है। तो इस तरह के जो मोटे अनाज होते हैं इसके आटे की रोटी पराठे के साथ भी आप इसे खाएं, या गेहूं के आटे के रोटी पराठे के साथ भी खा सकते हैं। तो ये भाजी बनकर तैयार है, बहुत ही स्वादिष्ट ये भाजी लगती है, एक बार ट्राई जरूर कीजिएगा। आज की रेसिपी आपको कैसी लगी कमेंट करके बताइएगा। रेसिपी अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा।